लोग के रूम से नजारा देखिए, वाओ, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। फेमस ग्लेनरीज ऑथेंटिक टी, पीछे बैकग्राउंड नॉइज बहुत ही अच्छा। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज हम लोग देखेंगे थोड़ा टाइगर हिल्स का नज़ारा और फिर आपको ले चलेंगे लामा हटा, जो कि बहुत ही सुंदर था, नेचुरल ब्यूटी के साथ। टी गार्डन जाएंगे और चलते चलते हम लोग कालिम्पोंग भी पहुंच जाएंगे, टिस्टी रिवर को क्रॉस करते करते, और बहुत ही मज़ा आएगा इस सफ़र में, तो ज़रूर बने रहिए हमारे साथ। सो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक। तो आज है डे टू और हम लोग अभी निकल पड़े हैं सनराइज़ देखने के लिए। कहाँ पे? टाइगर हिल्स। तो अभी हम लोग निकले हैं, मतलब निकलेंगे, मैं रेडी हूँ पूरा गेटअप में, देख सकते हो पूरा एकदम चकाचक, बाकी सब लोग रेडी हो रहे हैं, तो हम लोग निकलते हैं और आपको ज़रूर दिखाते हैं। तो सुबह के लगभग 4 बज रहे थे तो हम चल पड़े थे टाइगर हिल्स की तरफ, क्योंकि यहाँ पे जाना सुबह ही, मतलब आपको निकलना पड़ेगा तब जाके आपको भीड़ भाड़ का कम मिलेगा। बट कहाँ कम मिला, भीड़ आप देख सकते हो, सब लोग यहाँ पे सनराइज़ देखने के लिए आए हैं। बहुत ही गजब नज़ारा था, किसी किसी का तो पूरा मतलब हवा टाइट हो गया था। फिर अचानक से क्लाउड आके जो एक रोशनी का माहौल कर दिया था, अचानक से हुआ था, आप क्राउड देख सकते हो, और एक बहुत बड़ा शाउट हुआ था तो मुझे लगा क्या हो गया, बट आप देख सकते हो क्राउड और शाउट दोनों मिलके, मतलब इट वाज ऑसम। तो आप देख ही सकते हो सन कैसे धीरे धीरे राइज हुआ था, मेरी आंखों के सामने राइज हुआ था। मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था, बहुत ही सुंदर एक्सपीरियंस था। और आप देख सकते हो ये कंचनजंगा है, बहुत ही सुंदर दिखता है, एक्चुअली हमारे होटल से भी दिखता है, बट यहाँ से भी बहुत सुंदर लग रहा था क्योंकि ऑपोजिट पे सन था। तो ये व्यू देखने के लिए लोग यहाँ पे बहुत भीड़ लगते हैं, आप देख सकते हो कितना सुंदर लग रहा है, इट्स द ब्यूटी ऑफ नेचर। तो गाइस अभी हम लोग रिटर्न हो रहे हैं बैक, इतना गाड़ी आप देख सकते हो, तो कितना ऊपर, मतलब इंसान कितना ऊपर गया था आप सोच ही सकते हो। और हाँ, टाइगर हिल फ्री नहीं है भाई, वहाँ पे 70 रुपीज़ पर पर्सन से चार्ज होता है, तो थोड़ा ये नोटिस कीजिएगा गाइस। हम लोग टाइगर हिल से जब आए थे थोड़ा रेस्ट ले लिया बहुत, तो हम लोग एक्चुअली अभी निकल रहे कालिम्पोंग के लिए, तो देखते हैं ये नज़ारा वर्थ इज रहता है कि नहीं। बाकी मुझे तो मेरा रूम का नज़ारा ही ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ बोलिए, आपको कैसा लग रहा है दार्जिलिंग आके? टाइगर हिल वर्थ नहीं था, सबके लिए अच्छा है, बस बहुत ज़्यादा ठंडा है। वर्थ नहीं बोला, बोला इतना एक्सपीरियंस इतना वो खराब, इतना अच्छा भी नहीं था एक्सपीरियंस, बोला नहीं, बाकी लोग के लिए तो अच्छा होता है। जगह अच्छा अच्छा है बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा ओवर हाइप के वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड है, और लाइक इसीलिए हम लोग वो नेचर का एंजॉय वो नहीं ले पाए। हाँ, इसलिए अच्छे से हम लोग अच्छे से देख नहीं पाए, ठीक है ना, और ओवर क्राउडेड होने की वजह से और गाड़ी लोग आने जाने, इट्स लाइक वेरी डिफिकल्ट टू सी। बाकी हमारे यहाँ का रूम का नज़ारे बहुत अच्छा है यार, बहुत अच्छा है। निकलते गाइस, आज का नाश्ता ये रहा हम लोग का, पूड़ी और सब्जी, दिखने में तो अच्छा लग रहा है, तो टेस्ट करेंगे और ज़रूर। थोड़ा ओम नमः शिवाय कर लेते पेट का, क्या कर लेते? गाइस आप देख सकते हो इतना सुंदर नज़ारा है, मैंने जैसे कि बताया, और ये दोनों को देखिए यहाँ पे ऊपर में पानी का लेके बताया गया था। ऊपर कैसे जाएगा? जाएंगे सीढ़ी से, जाएंगे रास्ते से, जाएंगे जाएंगे ज़रूर, जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। बहुत ही सुंदर है यार, बहुत 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 सुंदर। तो इस जंगल के रास्ते से अभी जाना है हमें पॉन्ड, तो पॉन्ड निकलेंगे अभी यहाँ से, तो लोग लाम हटा के पॉन्ड पे पूरा जा रहे एडवेंचर की तरह। देखिए आदमी लोग भी जा रहे, और कितना सुंदर क्यों, और इस चाचे दोनों आ रहे, क्या सुंदर नज़ारा है, हम लोग बहुत ही टॉप पे हैं, ये देखिए
बहुत सुंदर। तो गाइज यहाँ से पौंड और एक्चुअली हाफ एन आवर जितना लगता, तो हमें भी और भी ट्रेवल करना था, तो ये कैंसिल हो चुका है ऑफिशियली। मैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जा ही रहा था, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं तो जा ही रहा था, बट और हाफ एन आवर लगेगा और मतलब थोड़ा टाइम मैनेजमेंट भी होना पड़ता है, तो इसलिए रिटर्न ही हो रहे हैं। बट बहुत ही सुंदर है, क्या बताऊँ, मतलब व्यू का तो कोई जवाब ही। तो गाइस लामाटा से निकलने के बाद हम लोग पहुंच गए 3 चूल्हे, तो यहाँ का टी गार्डन और व्यू आपको दिखाते हैं। ये क्या है जगह? ये है 3 चूल्हे व्यू पॉइंट। ओके, हम लोग व्यू पॉइंट देख सकते हैं, देखिए कितना सुंदर नजारा। बहुत बहुत वो रहा सिक्किम। हाँ वो तो सिक्किम में। तो गाइस हम लोग कालिम्पोंग के लिए निकल पड़े, तो एक्चुअली हम लोग का थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा था, तो आप देख सकते हो टिस्टा रिवर है, बहुत ही सुंदर और काम। और हमें बता रहा था कि जैसे कि हम लोग कालिम्पोंग के रास्ते पे जा रहे थे, तो बहुत कुछ हमें दिखा बट हम रुक नहीं पाए। सबसे मेन अट्रैक्शन था आपका लवर्स पॉइंट दार्जिलिंग का, जो कि तिस्ता और रंगीत जो दो नदी है वहाँ पे मीट होते हैं, इसलिए उसे लवर्स पॉइंट कहा जाता है। और आप ये सुंदर नज़ारा देख सकते हो ब्रिज से तिस्ता रिवर का। और हाँ जी, कालिम्पोंग और सिक्किम ऑपोजिट साइड हो जाता है, तो अगर आप क्रॉस करके कालिम्पोंग आना चाहे आप कालिम्पोंग जा सकते हो, फिर क्रॉस करके आप सिक्किम भी जा सकते हो। तो अभी हम लोग कालिम्पोंग पे एंटर कर गए हैं, ये आप देख सकते हैं सिक्किम की जो बॉर्डर एरिया पे ये तैनात है हमारे आर्मी। और ये थोड़ा सा जाम लगा गया, एक्चुअली यहाँ पे बहुत जाम था जब हम लोग पहुँचे, बट बहुत थक गए थे यार। पहुँच गए हैं कालिम्पोंग, बहुत ही लंबा सफ़र था, 2.5 आवर्स के करीब करीब, और ऊपर से 3 घंटा ही लग गया होगा क्योंकि जाम था। और यही है पार्क हम लोग जहाँ पे आए हैं, डल पार्क, अभी हम लोग यहाँ पे जाएंगे। और ले लिया है हमने टिकट, 20 रुपीज़ करके एंट्री टिकट है, ये देखिए क्या लिखा हुआ, आई लव कालिम्पोंग। और ये आ रहा है 4 जन, एंट्री करेंगे, बड़ा प्यारा ही है, अभी देखते हैं कैसा क्या सीन है यहाँ पे। ये देखिए वाह, बहुत ही सुंदर नज़ारा। और एक्चुअली हवा चल रहा है, ये देखिए बहुत ही प्यारा, आपको शायद विंड का ब्रीजेस का आवाज़ थोड़ा सुनाई दे रहा होगा, ये है रियल। अगर आप कालिम्पोंग आते हैं तो एक बार आप विजिट कर सकते हैं, ऐसा बात नहीं। कैसा लग रहा है आपको सफ़र आया आप यहाँ पे, क्या कालिम्पोंग में क्या मिला आपको कालिम्पोंग में? अब तक का सफ़र काफ़ी बेहतरीन था कालिम्पोंग का। ओके ओके, ये देखिए आया वो देखिए। यही है शायद डॉल हाउस, तो नॉट डॉल, डॉल हाउस। तो ये एंट्री करने के लिए जा रहे हैं। तो यही था डॉल हाउस, और बाकी हम लोग का सफ़र कालिम्पोंग में यहीं पे ख़त्म हो गया, क्योंकि लंच करते करते बहुत टाइम चला गया था और हम और ज़्यादा कवर नहीं कर पाए, पर जितना देखे उतना काफ़ी था और बहुत ही अच्छा लगा। और बाकी मिलेंगे अभी नेक्स्ट एपिसोड।